में गए साल जो किसान क्रांति जन आंदोलन ने इसको शुरुआत की थी, तो उस कोर कमेटी का सदस्य रह चुका हूं। महाराष्ट्र का जायजा मैं आपको थोड़े इसमें दे दूंगा कि पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा बीजेपी के उन पूर्व सांसद से जिनका नाम है सुभाष वानखेड़े। ये भाजपा का एक पूर्व सांसद है जिन्होंने हमारे किसान हड़ताल में हिस्सा लिया। 5 एकड़ का दो पांच एकड़ का टोटल बैंगन था उनका, जिनको 3 रुपए खाली भाव आने की वजह से उन्होंने पूरा ट्रैक्टर इसके ऊपर चलाया। अभी सवाल यह है कि किसान सब्जियां रास्ते पे फेंक रहा है, ये दूध रास्ते पे फेंक रहा है, ये हम इसको सैंपल सर्वे की तरह से अगर देखेंगे तो ये सही जो है देश के किसान की जो मेन इश्यू है ये है। महाराष्ट्र में दूध को मिल रहा है भाव 16 रुपए 40 पैसे। अभी इश्यू ऐसा है कि दूध की जो लागत मूल्य है 35 रुपए है। किसी भी हालत में हम दूध बेचने के लिए जाते हैं तो प्रॉफिट में नहीं आ रहा है। ये जो है दूध बनता है खून से ही बनता है, सब्जी बनते हैं ये तो किसान के आंसू है। हम आप सभी लोगों को अनुरोध करते हैं कि मीडिया एक डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। 7 राज्यों में किसान अपने आप जब आगे निकल कर आए हैं और एक मुद्दे पर आए हैं, ऋण मुक्ति हो, हमी भाव मतलब उसको दाम मिले सही, ये 7 राज्यों में मतलब देश के इन सभी इतने बड़े इलाके में जब आता है सही में किसान तकलीफ में है और ये सरकार तक किसानों की आवाज आप पहुंचाए, ये हमारी आपके साथ में विनती है। और 4 दिन में अच्छा स्वरूप मिला, परिणाम मिले महाराष्ट्र में। गए साल कुछ ज्यादती हुई थी जिसकी वजह से कुछ हिंसा का रूप उसमें आया था, लेकिन राष्ट्रीय किसान महासंघ के जो तत्व है कि बिल्कुल ज्यादती नहीं है, बिल्कुल अपने को गांधी नीति से चलना है, इस तरह से हम लगभग 60% का शॉर्टेज क्रिएट करने में सफल हुए। कुछ लोग राजनीति करके सरकार को सपोर्ट करने भी सफल हो गए, लेकिन अभी आपके माध्यम से हम सभी देश को विनती करते हैं कि किसानों का जो हाल है ये 5 दिन में आपके सामने आ गया है। अभी सरकार की ये है वो कुछ कदम इसके ऊपर उठाए, इसके ऊपर हल निकाले। अब तक इसके ऊपर कुछ भी हल निकालने के सिचुएशन में सरकार नहीं दिख रही है और ये सरकार ऐसे ही इस पे चलती है। पहले ही से ही हम कहते आ रहे हैं कि ये किसान विरोधी सरकार है, तो ये तय हो जाएगा कि इतने बड़े 7 राज्यों में जब आंदोलन होता है तभी भी किसानों की मांगों की तरफ अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आगे से किसान आपके साथ नहीं रहेगा। 10 तारीख को हमारा भारत बंद है और उसके आगे हम एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हमारा आंदोलन और भी कड़ा हो जाएगा और इसका जो है ये किसानों की जो मांगे है, यह हक है, वो हक पूरा हम लेकर ही रहेंगे। धन्यवाद।